हेलो गाइस, केपी और केपी 0004 में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम लेके आ चुके हैं ओल्ड जनरेशन वाली थार और इसके ओनर है भाई साहिल चोकीन भाई। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो भाई कब ली थी गाड़ी? भाई ये है 2016 मॉडल। 16 मॉडल आपने उस टाइम कितने की बढ़ गई थी? ये भाई कम से कम 9.5 लाख की बढ़ी। तो पहले ये बात करते हैं कि आपने यूज ली थी या न्यू ली थी? न्यू ली थी शोरूम से। मतलब आपने अभी तक मेंटेन कर रखी है? आपने नई वाली थार चलाई है? हां नई वाली चलाई है। क्या कुछ अलग लगा? अलग तो बहुत कुछ है, फीचर्स वगैरह ज्यादा। क्या कह रहे हो, गाड़ी बन गई? हां वो फीचर वगैरह ज्यादा है उसमें। मजा किसमें है जो अंदर से मजा आता है? मेरे को तो अपनी में आता है, बाकी अगर ऐसी देखी जाए चलाने वगैरह में और लुकिंग वाइज तो पुरानी वाली बेस्ट है। मतलब आपके हिसाब से पुरानी वाली बेस्ट है, बाकी भाई अपना ओपिनियन है सबका। जैसे अगर तो भाई इसमें बाहर से पहले क्या क्या काम हो रखा है? बाहर से भाई इसमें अलॉय व्हील लगे हुए हैं। ये कितने इंच के हैं? ये 16 इंच। 16 इंच? कभी इससे ज्यादा अपग्रेड कराने की नहीं सोची? नहीं। ओके, और कंपनी से कितने आते थे इसमें? कंपनी में भी 16 ही आते थे। रिम आता था। हाँ रिम आता था, वो तो ऑब्वियस ही बात है। ये इसमें रिम है, अलॉय बाहर से लगवा रखे। अच्छा, टायर वही वाले जो कंपनी से आते थे? नहीं, टायर भी नहीं है। वो तो घिस गए होंगे ऑब्वियस ही बात है। मतलब प्रोफाइल वही है? हाँ जी प्रोफाइल भाई वो सेम सी प्रोफाइल है। बाकी भाई ये आपने जो ड्रम है वो ग्रीन कलर का पेंट करवाया है? हाँ जी भाई। नॉर्मली लोग रेड या येलो करवाते हैं, ये कैसे सोच? थोड़ा ऐसे ही फिर भी अच्छा लग रखा था ग्रीन, इसीलिए मैंने ग्रीन ही करवा दिया। जी बाकी भाई ये देख रहा हूँ मैं, सॉफ्ट टॉप लोग लेते तो थे लेकिन हार्ड टॉप में कन्वर्ट करवा लेते, आपने क्यों नहीं करवाई? बाकी अगर आपको निकालना हो तो आप खुद निकाल पाओगे या बाहर जाके निकलवाना पड़ेगा? कोई भी निकाल लेते हैं। अच्छा मतलब आप खुद नहीं निकाल सकते? लेकिन घर पे निकाल तो लेंगे, थोड़ा मुश्किल है मतलब। बाकी और पीछे से क्या काम करवा रखा है? तो कुछ कराने की सोची है इसमें? पीछे से? हाँ जी। पीछे से तो भाई कुछ नहीं अभी फिलहाल, ऐसे ही ठीक है। बाकी लोग जो पुरानी थार है बहुत ज्यादा मॉडिफाई करवा देते हैं, ओवर करवा देते हैं कुछ। तो देखो भाई ज्यादातर थार अच्छी लगती है लेकिन कुछ भाई ओवर हो जाती है। वही टेस्ट है, लेकिन जिन्होंने करवाई उनके लिए बढ़िया है भाई वो बात, तो बस वही ठीक है। बाकी साइड से भी नॉर्मली है। तो ये आपने कुछ पन्नी वन्नी चढ़वा रखे है इसके ऊपर? क्या चीज़ है, मतलब अजीब सी लग रही है थोड़ी। स्मोक टेप है भाई। स्मोक टेप? क्या ये टेंट नहीं होता? ये टेंट नहीं होता ये। अच्छा ये कपड़े में है ना इसीलिए। अच्छा बाकी ये आपने ये ग्रीन टेंट चढ़वा रखा है इस पर? 3M की है। ओरिजिनल है? ओरिजिनल 3M की, तो रात में कोई दिक्कत होती नहीं होगी? नहीं। बाकी फ्रंट में कुछ नहीं करवा रखा? फ्रंट में लाइट वगैरह करा रखी है मैंने। हाँ जी बता दो लाइट कौन कौन सी लाइट है बता दो भाई। दोनों लाइट बाहर से है। हाँ जी, इसी का कॉस्टिंग पड़ गई थी? ये तो मेरे को 1200-1300 की पड़ी थी। और ये वाली? ये मेरे को 2500 रुपए की पड़ी थी। 2500 की एक थ्रो बढ़िया है? हाँ जी। कहाँ से डलवाई थी आपने? ये मैंने करोल बाग से। करोल बाग से। बाकी भाई ये लोग चेंज करवा लेते हैं, ये आपने क्यों नहीं करवाई? क्योंकि ये थोड़ा लुक स्पॉइल कर रहा है कहीं ना कहीं। मैंने ऑर्डर कर रखा है, इसमें एंग्री बर्ड वाली ग्रिल लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऑर्डर कर रखी है। तो कब तक लग जाएगी वो? भी लग जाएगी एक महीने में। और बाकी ये नहीं चेंज करवाओगे? ये भी चेंज करा चुका हूँ मैं। चेंज करवा चुके हो? कंपनी से क्या आया था? कंपनी से ऐसा ही आया था लेकिन वो थोड़ा अजीब था, ज्यादा लोहे में था इसलिए गल जाता है। अच्छा गल गया था मतलब। महिंद्रा का यही है, थोड़ा महिंद्रा का है। बाकी आप इसके अलावा महिंद्रा की कितनी गाड़ी ओन करते हो भाई? एक है मेरे पास, एक और स्कॉर्पियो, वो 0001 है। तो इसका नंबर ऐसा कुछ लेने का नहीं सोचा था? नहीं इसका। खैर ये भी ले रखा है 6161 भाई। बाकी 6161 को कई लोग दादा बना देते हैं, जैसे हिंदी में लिख के जैसे 41 को वो कर देते हैं ना पापा, वैसे इसका दादा बन जाता। तो ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? नहीं नहीं। क्या कह रहे हो, लीगल रहना है भाई? कहाँ कहाँ ले गए इस गाड़ी को? अभी तो कहीं नहीं, ज़्यादातर अपना यहीं आगे सोचा है पहाड़ों में जाने के लिए। अभी तक 4-5 साल में कहीं नहीं लगे गए आप? नहीं हुआ है, अभी तो इलेक्शन हुए थे ना भाई। हाँ हाँ, बीजी थे, अभी मनाली जाने की सोच रखी है। क्या लगता है ये वैसे 4x4 है ना ये? हाँ जी भाई 4x4। तो अगर ऑब्वियस ही बात है थार है, अब आने लगी 4x2 में। तो बाकी भाई अंदर आ जाते हैं और अंदर से आपको बताते हैं थोड़ा बहुत भाई। पहले तो गाड़ी में बैठने से पहले ना कुछ पकड़ने वाला होना चाहिए, कुछ है नहीं क्या पकड़ने वाला? भाई पकड़ने वाले क्या है, चढ़ जाओ ऐसे। भाई थोड़ा हार्ड है क्योंकि भाई देखो कितना ज़्यादा हुआ है, पैर में ऐसे रख रहा हूँ भाई पूरा, नहीं तो ये लगा हुआ है ऐसे करके, ये स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे बैठना पड़ता है एकदम ट्रक की तरह भाई। थोड़ा हार्ड नहीं लगता?
अरे नहीं भाई ऐसे ही थी। अगर वाला तो वही है बाकी भाई इंटीरियर से तो एकदम ट्रक है ये छोटा हाथी। कहाँ ट्रक है भाई, कैसे ट्रक है? मेरे को ट्रक जैसा लग रहा है, अंदर से एकदम छोटा हाथी लग रहा है। बाकी गियर देखो भाई कितना वो एकदम ट्रक स्टाइल का है। इंटीरियर में कुछ कराने की नहीं सोची आपने? भाई इंटीरियर करा रखा है पूरी छत करा। ये छत जो है आपने ऐसे करवा रखी है, कितने तक की हो गई आपकी? ये मेरी हो गई थी 6-7 हज़ार रुपए की। 6-7 हज़ार की। देखो भाई ये जैसे हिल नहीं रहा, जैसे नॉर्मल सॉफ्ट टॉप होता है ऐसे हिलने लगता था, इतना टाइट हो रखा है। मतलब आपने बाहर से ऐसे ही जान मुझे करवाया ये? हाँ जी भाई। जैसे अब आपको ये उतारना हो तो ऐसे ही उतरेगा ये खराब नहीं होगा? नहीं खराब नहीं होगा क्योंकि ये पीस लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। बाकी ये क्या चीज है? ये आता ही है महिंद्रा में, महिंद्रा से ही आता है भाई ये तो। फुल जब छत खुल जाती है जब तो फिर तो फुल मौज आती होगी गाड़ी में। हाँ मौज तो आई जाती है। तो भाई बाकी अब एक बार चला के दिखाते हैं इसमें ऐसे इंटीरियर में। और वैसे म्यूजिक सिस्टम में कुछ काम करवा रखा है? हाँ जी भाई सारा म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवा रखा है। क्या क्या हो रखा है इसमें म्यूजिक सिस्टम में? दो टूटर लगे हुए भाई और दो स्पीकर और बेस टूटर। बेस की कौन सी कंपनी की है? तो एक बार आउटपुट सुना देते हैं उसका। कोई नहीं भाई बिल्कुल। तो भाई आउटपुट सुन लो आप, ऐसा कुछ आउटपुट रहने वाला है इसका। भाई आउटपुट आपने सुनी लिया भाई, आउटपुट तगड़ा ही है, ये भी हिल रहा है वो भी हिल रहा है। तो भाई भाई ये बता रहे थे कि इसका आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग वगैरह भी चेंज हो रखा है, क्या सीन है फिर इसका? भाई इसमें जो पहले स्टीयरिंग आता था ना वो बहुत चौड़ा था, अलग अच्छा, सा लगता था, बद्दा बद्दा सा। तो ये कौन सी गाड़ी का है फिर? ये भाई 2019 में जो थार आई थी ना। अच्छा अच्छा। बाहर से तो सेम थी, डैशबोर्ड वगैरह चेंज था, डिजिटल मतलब इंटीरियर वगैरह चेंज कर दिया था। हां जी भाई। तो ये उसका स्टीयरिंग लग रखा है? हां जी भाई। और इसमें एसी वगैरह क्या ही मजा आता है। ये देखो भाई 4x4 का छोटा सा लीवर, बाकी ये बहुत डीप है भाई अंदर की तरफ। वो तो भाई लगा के चला। और भाई बाकी आप बता रहे थे कि इसकी सीट वगैरह भी चेंज हो रखी है। हां जी भाई इसमें जो फ्रंट सीट है वो इनोवा की लगी हुई है दोनों। हां जी। कैप्टन सीट भी और कंडक्टर सीट भी। अच्छा अच्छा। और पीछे की बेबी सीट लगी हुई है इनोवा की। अच्छा 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 समझ गया। तो थर्ड रो में आती थी भाई। बाकी जो कंपनी से इसमें आती थी वो कंफर्टेबल नहीं थी? कंफर्टेबल तो नहीं थी, बाकी सही है भाई, थोड़ी नीची सीट थी वो, इसलिए मैंने चेंज किया, मतलब मजा सा नहीं आया। हां जी भाई। भाई वैसे थार है तो रोड रिएक्शंस तो आते ही होंगे। हाँ जी भाई बिल्कुल आते हैं। बेशक आप ऑडी मर्सिडीज कोई भी खड़ी कर लो, दुनिया उसको नहीं देख पाएगी, एक टाइम पे थार को देखेगी भाई। थार की रोड रिएक्शंस है भाई। बाकी काले शीशे भी करवा रखे हैं तो दिक्कत नहीं आती कुछ? नहीं भाई हो जाती है बातचीत, बातचीत हो जाती है। बाकी रात वात में चलाने में दिक्कत नहीं आती? आदत हो रखी है भाई, बिना काली गाड़ी के नहीं चलती, मतलब काले शीशे के बिना चलती नहीं अब, सब गाड़ी में है। देखो गाड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं, पहले वाइब्रेशन देख लेना थोड़ी बहुत इसकी, पूरी कांप जाती है। स्कॉर्पियो है पुरानी वाली, उसमें भी सेम सीन है ना भाई आपके पास है, वो भी पूरी कंपा देती है। नहीं भाई कहाँ कंपती है, ये जो बाइक की है उसकी तो कांपती है पूरी पूरी। तो भाई हमारे 20 मॉडल है। अच्छा 2020 मॉडल है। तो भाई एस11 भाई देखो फर्स्ट गियर पे लगा दिया, हैंड ब्रेक डाउन पूरा, सिर्फ क्लच पे चलाने की कोशिश करेंगे पूरी। भाई पिकअप तो देखो सही है, भाई देखो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस तो है, लेकिन भाई जो गाड़ी मजा दे रही है ना चलाने में, वो मजा और किसी गाड़ी में नहीं है। जैसे नहीं भाई वाली थार चलाई उसमें है ये मजा, वो ऐसा लगता है जैसे वही जो स्कॉर्पियो वगैरह चला रहे वैसा ही आता है, मतलब ज्यादा मजा नहीं आता। नहीं आता जैसे यहाँ पर अगर ये रेलिंग वगैरह नहीं लगी होती, जैसे ये मान लो यहाँ तो चढ़ जाएगी ये गाड़ी बिल्कुल आराम से, कोई दाब नहीं मानती। नहीं नहीं कोई दाब नहीं। अब भाई थोड़ी खींच के देखते हैं, भाई खींचने की गाड़ी है नहीं है भाई, खींचने की है नहीं, पर बट खींच के देख लो। पावर और टॉक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, एग्जैक्ट क्लियर है नहीं, बाकी 2500 सीसी के हिसाब से तो भाई तगड़ा है, माइलेज इतनी मिलती है।
भाई माइलेज तो इसकी ऐसी है 7-8 की एवरेज होती है। तो मतलब सही लगती है गाड़ी के हिसाब से, कम लगती है भाई? नहीं गाड़ी के हिसाब से तो ठीक ही है भाई। भाई बाकी भाई चलने में तो तगड़ी है, जैसे थोड़ा बहुत जैसे बम्प वगैरह दिखे ना, ये पर देखते हैं ट्राई करते हैं उस पर थोड़ा बहुत चढ़ा के, जहाँ पे पीछे वो डिवाइडर ड्राइव कर रहा भाई। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, कहीं आगे इन्फ्लुएंस हो गया भाई तुम चढ़ाने लगे हो डिवाइडर को जा दो गाड़ी। क्या लगता है प्यार से पूछ जाएगा डिवाइडर ड्राइव जाएगी आराम से? भाई बाकी क्लच सब लाइट ही है भाई, टाइट नहीं लग रहा, इतनी पुरानी गाड़ी के हिसाब से टाइट लगना चाहिए था, लेकिन सही है भाई एकदम नॉर्मल है। बाकी ये क्लच दबाते टाइम एक आवाज सी आ रही है, वो स्प्रिंग के भाई ने इसको। तो भाई देखो जैसे ये है आराम से कर जाएगी। हाँ जी भाई बिल्कुल, 4x2 में 4x4 में 4x2 में कूद जाएंगे, कूद जाएगी फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर पे रखें कोई भी फर्स्ट सेकंड पे आप दोनों पे ट्राई कर लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा भाई। देखो भाई थार इसलिए तो फेमस है भाई, पता भी नहीं लगा। और भाई अच्छी खासी उसकी लेंथ वगैरह है, मतलब अच्छी खासी ऊंचा है, मैं नॉर्मल गाड़ी नहीं चढ़ पाती यहाँ पे। नहीं भाई अब कई लोग बोलेंगे नॉर्मल गाड़ी भी चढ़ जाएगी, स्कॉर्पियो चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी यहाँ पे स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो चढ़ तो जाएगी बट वो रियर व्हील ड्राइव को दिक्कत नहीं करेगी थोड़ी बहुत, वो अड़ सकती है नीचे से, अड़ सकती है। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुदा दो कहीं कुदा दो, कहीं कभी करिए ऑफ रोडिंग वगैरह बाकी है। काफी टाइम खेतों वगैरह में लेके गए गार में ले, ऐसा तो नहीं है खेत जोत दिया इससे? नहीं नहीं ऐसा कुछ, मतलब आप पूरे सेटिस्फाइड हो? हाँ जी भाई। तो भाई यही तक की थी आज की वीडियो। वैसे अगर मैं किसी को बोलूँ रिकमेंड करूँगा, आप किसी को रिकमेंड करोगे वैसे जैसे सेकंड हैंड मिल रही हो किसी को गाड़ी यूज्ड मिल रही हो तो? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। तो कितने तक की लेनी सही रहेगी? कम से कम 5-6 लाख रुपए की, मतलब इससे ज्यादा की नहीं लेनी? नहीं फिर तो नहीं भी आ रही है बिल्कुल नहीं। मैं क्या कर दिया जो 10 लाख रुपए की 4x2 दे दिया है? हाँ जी 13 लाख की पड़ती है वैसे। हाँ, वो ना एलएक्स टॉप मॉडल 4x4 4.5-4.19 लाख का आता है महिंद्रा का। हाँ जी बाकी पावर क्या है, पावर अब नई जनरेशन की दे रहे हैं कंपनी महिंद्रा, जो पुरानी है वो पुरानी है, मतलब पुरानी का शॉप पुरानी में पूरा हो जाता है बिल्कुल भाई। तो भाई यही तक की थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और KP 004 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस बाय।